हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सो टूडे इन दिस वीडियो विल गोइंग टू स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट सो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है मॉर्फोलॉजी बेसिकली हमारे पास इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स मॉर्फो मतलब कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स लॉजी बेसिकली हमारे पास स्टडी स्किल होता है तो मॉर्फोलॉजी अगर हम किसी भी प्लांट को देखते हैं तो हमें उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स क्या क्या दिखाई देते हैं उसकी रूट्स हैं स्टेम्स हैं लीव्स हैं फ्लावर्स हैं एंड फ्रूट्स हैं तो आज हमें इस चैप्टर के अंदर रूट और स्टेम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हमारे पास रूट सिस्टम है देखो रूट सिस्टम क्या होता है हमारे पास रेडिकल पार्ट जो होता है वो रूट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं तो तब रेडिकल पार्ट से डायरेक्ट इलॉन्गेशन होता है तो वो बेसिकली लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट्स और ये जो रूट्स हैं ये हमारे इनसाइड द सॉयल रहती हैं अब तक प्राइमरी रूट जो हैं वो लेटरल ग्रोथ दिखाती है मीनस लेटरल का मतलब क्या था वो साइडवेज जो है अपनी ग्रोथ दिखाती हैं तो बेसिकली उनको सेकेंडरी टर्शरी रूट्स बोला जाता है प्राइमरी रूट्स और उसकी जो भी ब्रांचेज़ हैं वो मिल कर के हमारे पास टैप रूट सिस्टम बनाती है और जो रूट्स होती है हमारी वो थ्री टाइप्स की होती हैं टैप रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियर रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम वो होती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक प्राइमरी रूट सिस्टम है प्राइमरी रूट्स हैं और उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके बाद अगर हम देखें मोनोकॉटिलेडन के अंदर टैप रूट सिस्टम जो है बेसिकली वो हमारा बेसिक फीचर होता है डाईकॉटिलेडनस का मोनोकॉटिलेडनस क्या होते हैं जिनके पास हमारे एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है और उसको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स तो ये जो रूट्स होती हैं ये ओरिजिनेट करती हैं तब बेस ऑफ स्टेम से तो वो मिलकर के फाइब्रस रूट बनाती हैं और फाइब्रस रूट सिस्टम जो है हमें वो वीट प्लांट के अंदर देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिलता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इसके लिए हमें सबसे पहले एग्जाम्पल से देखना होगा कि लाइक ग्रास हैं मॉन्स्टेरा हैं बैनियन ट्री हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो इसकी रूट्स होती हैं ना वो अराइज़ होती हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल मतलब रूट से अराइज़ नहीं होंगी प्लांट के और किसी पार्ट से अराइज़ होंगी रूट्स तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल ऐसा कि मैंने बताया ग्रास और मॉन्स्टेरा है अब इसमें हमारे पास रूट सिस्टम के हमें पता होने चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं तो जो मेन फंक्शन होते हैं वो हमारे पास रूट के होते हैं एब्जॉर्बन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल और बेसिकली ये प्रोवाइड करता है एक एनकरेज या फिर एक सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट इसी के साथ हमारे पास इसमें रिजर्व फूड मटीरियल होता है और जितने भी हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उनकी सिंथेसिस करता है उनकी फॉर्मेशन करता है इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रीजनस ऑफ रूट तो हमारे पास बेसिकली थ्री रीज़न्स होते हैं रीज़न ऑफ मैरिस्टेमेटिक रीज़न ऑफ इलोंगेशन एंड रीज़न ऑफ मैचोरेशन तो सबसे पहले हमारे पास इन तीनों रीज़न से पहले मैं ये पता होना चाहिए रूट कैप क्या होती है सो बेसिकली रूट कैप जो है रूट जो होती है हमारी वो कवर्ड होती हैं एपिक्स पार्ट से एक टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं रूट कैप और ये बेसिकली क्या करती है कि जो हमारा अपेक्स ऑफ रूट होती है उसको ये प्रोटेक्ट करती है नेक्स्ट हमारे पास हमने बताया कि रीजन ऑफ़ मेरिस्टमैटिक रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक क्या होता है हमारे पास रूट कैप से जस्ट ऊपर जो हमारे पास कुछ मिलीमीटर्स में जो एरिया होता है वो सारा हमारे पास रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी को शो करता है जो यहाँ पर ये सेल्स होते हैं इस रीजन के वो काफ़ी छोटे होते हैं काफ़ी वॉल्ड होते हैं और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी सॉरी साइटोप्लाज्म नहीं इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है और ये रिपीटेडली डिवाइड करते रहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन देखो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन वो होता है जो कि बेसिकली हमारे सेल्स इलॉन्गेट करते हैं मतलब एक इलॉन्गेशन जोन होता है जब वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे मेच्योर करेंगे और बेसिकली जो रीजन है ये उसकी लेंथ को डिटरमाइन करता है नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजन ऑफ़ मैचोरेशन रीजन ऑफ मैचोरेशन क्या होता है ये रीजन हमारे पास जो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन है उसके जस्ट प्रॉक्सिमल होता है प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा दूर है थोड़े से उससे तो इसमें क्या होता है हमारे पास इस रीजन से कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं तो रीजन ऑफ मेचोरेशन से हमारे रूट हेयर्स की सिंथेसिस होती है और जो रूट हेयर्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है ये बेसिकली हमारे वाटर को एब्जॉर्ब करते, है, करते हैं जितना भी मिनरल होता है सॉयल में उसको एब्जॉर्ब करते हैं नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आती है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखो रूट्स जो होते हैं ना वो कुछ प्लांट के अंदर हमारे शेप और उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं और वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मॉडिफाई होते हैं एबजॉर्बशन हो गया कंडक्शन वाटर हो गया ये तो इसका बहुत ही कॉमन फंक्शन होता है लेकिन अगर मॉडिफ़िकेशन ऑफ उसकी मॉडिफ़िकेशन ऑफ रूट की बात आती है तो इट मींस वो अपने आप को इस तरीके से मॉडिफ़ाई करता है इस तरीके से चेंजेस लाता है कि ताकि वो कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके सो so, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है कि ये बेसिकली मॉडिफ़ाई होता है सपोर्ट के लिए फ़ूड के स्टोरेज के लिए और रेस्पिरेशन के लिए सो so, हमने जैसे कि बताया था कि टैप रूट सिस्टम जो कि हमारे डाइकॉट्स में बहुत ज़्यादा होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो टैप रूट होती है हमारी एग्जाम्पल मेरा एक कैरेट है टर्निप है एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं और स्वीट पटाटो ये क्या होती है हमारी ये स्वलन हो जाती है और फूड को स्टोर करना शुरू कर देती हैं तो सबसे पहला जो मॉडिफ़िकेशन है वो टैप रूट सिस्टम के अंदर है और एडवेंटिशर रूट सिस्टम के अंदर है और वो क्या है कि वो जो है रूट पार्ट वो बहुत ही स्वलन हो जाता है फूड को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बैनियन ट्री के अंदर बैनियन ट्री के अंदर क्या होता है एक प्रॉप रूट की फॉर्मेशन होती है इसी तरीके से मेज़ शुगर केन जो हमारे पास है इसकी जो स्टेम्स होती हैं उनके पास भी सपोर्टिंग रूट होती हैं जो कि इसकी लोअर नोड से आती हैं नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है निमेटो फोर्स निमेटो फोर्स हमारे पास रूट का ही एक मॉडिफिकेशन है जो कि हमें किस के अंदर देखने को मिलता है राइजोफोरा के अंदर और इस इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए उसको प्रोवाइड करता है तो निमाटो फोर यहाँ पे वन मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है हमारा स्टेम सिस्टम सो स्टेम सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो स्टेम हमें सबको पता है कि क्या होती है ग्रीन कलर की इरेक्ट एर, सिस्टम होता है उसके बाद इसकी जो एक्सेस होती हैं वो ब्रांचेज लीव फ्लावर फ्रूट सबको को बियर करती हैं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो है एम्ब्रियो से जो भी प्लूम्यूल है उसके थ्रू जो भी डेवलपमेंट होती है जर्मिनेटिंग सीड के अंदर वो सभी हमारे पास स्टेम की कंसिस्ट होती है स्टेम जो है ना हमारे पास वो नोड्स और इंटर नोट्स को बियर करती है और वो रीजन स्टेम का जहाँ पर लीव्स होती हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं और इंटर नोट्स वो पोर्शन होता है जो दो नोड्स के बीच का एरिया होता है तो नोड्स और इंटर नोट्स यहाँ पे क्लियर हो गया नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो स्टेम होती हैं वो बर्ड्स को बियर करती हैं और वो जो बर्ड्स हैं वो टर्मिनल भी हो सकते हैं वो एक्जिलरी भी हो सकते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो स्टेम होती है वो जनरली हमारी ग्रीन होती है इरेक्ट होती है और तब वो यंगर स्टेज में है तब वो ग्रीन होती है लेकिन लेटर ऑन तब एजिंग हो जाती है तो वो वुडी और डार्क ब्राउन कलर की हमें दिखती है अब नेक्स्ट हमारे पास इसके जो फंक्शंस होते हैं स्टेम्प के वो क्या हैं कि जो स्टेप्स होती है ना वो बेसिकली हमारे पास बियर करती है लीव्स फ्लावर फ्रूट्स को जैसा कि मैंने बताया था उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये वाटर को कंडक्ट करती है मिनरल को और फोटो सिंथेटिक्स जितने भी होते हैं नेक्स्ट इसका फंक्शन है वही सेम हमारे पास रूट की तरह स्टोरेज ऑफ फूड सपोर्ट और नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम सो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि जो स्टेम होती है वो भी रूट्स की तरह ही डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होती है लाइक like इसमें सबसे पहले हमारे पास जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं लाइक पटैटो गिंजर टर्मरिक कैलोकेशिया ये सभी मॉडिफाई होती हैं फूड को स्टोर करने के लिए उसके बाद हमारे पास इनके अंदर एक ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ के लिए इनको टाइड ओवर करके रखता है इनको कॉन्टैक्ट में करके रखता है नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है वो होती है टेंड्रिल्स के अंदर जो कि एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है क्लाइंबिंग के लिए उसके बाद हमारे पास आता है इसमें स्टेम्स जो होती हैं वो स्पाइंस के अंदर मॉडिफाई होती हैं फॉर द प्रोटेक्शंस अगर हम स्टेम के ऑगजिलरी बर्ड्स की बात करें तो वो जो है कभी कभार वो मॉडिफाई हो जाते हैं एक वुडी और स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स के अंदर ये सभी जो होते हैं प्लांट जिसमें हमने बताया कि जो बर्ड्स हैं ऑक्सिलरी बर्ड्स स्टेम के वो वुडी बन जाते हैं ये हमारे पास सिट्रस और बोगेनविलिया के अंदर होता है नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है कि जितने भी हमारे पास कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं कुछ प्लांट्स की लाइक ग्रासेस हैं स्ट्रॉबेरी हैं ये सभी क्या करती हैं ये एक नए निश के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं और तब इनके ओल्डर पार्ट जो डाई हो जाता है तो इनको जो नया प्लांट होता है वो फॉर्म्ड हो जाता है इस तरीके से हमारे पास मेन जैसमीन के अंदर भी एक लेटरल ब्रांच जो है और होती है बेस ऑफ मेन एक्सेस से और तब वो एरियली ग्रो कर जाती है कुछ टाइम के बाद तो वो डाउनवर्डली ग्राउंड से टच कर जाती है इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में तो यहाँ पे हमने जो अपना लीफ और सॉरी यहाँ पे जो हमने रूट और स्टेम है वो कवर किया आई होप यू लाइक द वीडियो इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसके और मॉडिफिकेशनस की होगी लाइक हमारे पास स्टेम तो और रूट तो हमने आज कवर कर लिया इसके बाद हमारे पास होगी इसके अंदर लीफ इन्फ्लरसेंस फ्लावर फ्रूट की सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू